तेलंगाना बीजेपी के सदर व मरकजी वजीर कानकनी किशन रेड्डी ने तनकीद करते हुए कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी गरीबों पर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमने वजीर आला से दरख्वास्त की थी कि एफटीए और बफर जोन के नाम पर गरीबों के मकानात के इन्हदाम के सिलसिले को रोका जाए। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि माजी में बीआरएस हुकूमत ने मूसा नदी की खूबसूरती के बारे में मनसूबा बनाया था, तहम आवाम की मुखालिफत के बाद वो इस मनसूबे से दस्तबरदार हो गई। राजधानी दिल्ली के मशहूर कालकाजी मंदिर से हादसे की बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 अक्टूबर की देर रात कालकाजी मंदिर में बिजली का करंट लगने और भगदड़ मचने का वाकया पेश आया। इस हादसे में बिजली का झटका लगने से एक तालिबे इल्म की मौत हो गई और एक जख्मी हो गया। इस दौरान भगदड़ की वजह से 6 अफराद जख्मी हुए हैं। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के हुजूम में इजाफा दर्ज किया गया। दशहरे के मौके पर शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मुखीम अफराद अपने आबाई मुकामात पर अपनों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए रवाना हुए। गुज़िश्ता रोज से प्राइवेट तालीमी इदारों ने भी छुट्टियां दे दी हैं और तुलबा भी अपने मवाजात रवाना हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी SP सदर अखिलेश यादव ने जुमेरात को कहा कि योगी हुकूमत के इशारे पर पुलिस इंतजामिया बेकसूर अफराद को झूठे मुकदमात में फंसाती है, जबकि खुसूर वारों को बचाने का काम किया जा रहा है। यादव ने यहां जारी बयान में कहा कि बीजेपी हुकूमत में नाइंसाफी मजालिम शबाब पर है। मामला हाथर्स में दलित बेटी को जबरदस्ती आखिरी रसूमात की अदायगी का हो या BHU में इज्तिमाई इस्मत रजी का मामला हो, इस हुकूमत में इंसाफ नहीं मिला। एक हालिया तहकीक में पता चला है कि शुगर के मरीज हों या दिल के मरीज, अगर वो दिन में एक बार रोजा रखे तो शुगर कंट्रोल में रहेगी और दिल सेहतमंद रहेगा। तहकीक में ये भी बात सामने आई है कि हर 10 घंटे में एक बार खाना खाने से आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर हो जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डियागो और सालिक इंस्टीट्यूट के साइंसदानों की तहकीक में ये बात सामने आई है कि दिन में एक मरतबा भूखे रहने से खून में शुगर की सतह कंट्रोल में रहती है और कोलेस्ट्रोल कम होता है। मुख्यखीन ने बताया कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम में मुबतला 108 अफराद के तिब्बी मुआयने किए गए जिनके नतज बेहतर बरामद हुए। SUV बनाने वाली कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने जुमेरात को सुबह 11 बजे बिलिंग शुरू होने के 60 मिनट के अंदर हाल ही में लॉन्च किए गए थार रॉक्स के लिए 1,76,218 बिलिंग हासिल की है। कंपनी ने नया जारी करदा एक बयान में कहा कि ये बेमिसाल रिस्पांस थार रॉक्स की वसी पैमाने पर अपील की अक्कासी करता है, जिसने मुल्क भर में सारिफिन को अपनी तरफ मुतवज्जे किया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने DSC इम्तिहान में मुंतखब उम्मीदवारों के तकर्रुनामे हवाले करने और धान की खरीदी के सिलसिले में सेक्रेटेरिएट से जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जिले कलेक्टर से कहा कि DSC उम्मीदवारों के उस्ताद की जाँच का काम 5 अक्टूबर तक मुकम्मल कर लिया जाए और 9 अक्टूबर को तकर्रुनामे हवाले किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि धान की खरीदी के लिए रियासत भर में 7,000 IKP मराकज कायम किए जाएंगे, जहां ज़रूरत हो वहां नए IKP मराकज कायम करने की हिदायत दी। बारीक चावल की खरीदारी के लिए खसूसी इंतजाम किए जाएं, धान की खरीदी के लिए कॉल सेंटर कायम करने का मशवरा दिया, फाइन राइस के लिए 500 रुपये का बोनस दिया जाएगा। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने अजहरुद्दीन को तलब किया है। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक सदर अजहरुद्दीन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में फंड्स का गलत इस्तेमाल किया। हिंदुस्तानी क्रिकेट के साबिक कप्तान और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी TPCC के मौजूदा वर्किंग सदर को जुमेरात को ED के सामने पेश होने के लिए तलब किया गया। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन HCA से मुंसलिक केस HCA के साबिक सदर अजहरुद्दीन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने अपने दौरे हुकूमत के दौरान फंड का गलत इस्तेमाल किया। साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेट कप्तान और साबिक रुकन असम्बली जो इस वक्त तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी TPCC के वर्किंग सदर है से कहा गया है कि जुमेरात को ED के सामने पेश होंगे। ED जो HCA में 20 करोड़ रुपए के फ्रॉड की तहकीकात कर रही है ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में साबिक क्रिकेटर्स अरशद अयूब और शिवलाल यादव से पूछगुछ की थी। साबिक वजीर और HCA के साबिक सदर जी विनोद से भी मरकजी एजेंसी ने पूछताछ की थी। गुज़िश्ता साल नवंबर में ED ने विनोद, शिवलाल यादव और अरशद अयूब की रिहायश गाहों की तलाशी भी ली थी। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के कानून के तहत रियासत भर में 9 मुकामात पर तलाशी ली गई। ED की तहकीकात इंस्ताद बदउनवानी ब्यूरो ACB हैदराबाद के जरिए दर्ज की गई 3 FIR पर मबनी थी, जिसमें HCA के फंड के 20 करोड़ रुपए के मुजरिमाना गलत इस्तेमाल से मुतालिक थे। ACB ने राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम के तामीर के लिए DG सेट्स, फायर फाइटिंग सिस्टम और छतरियों की खरीदारी में मुबैना
बेजाबतगियों के लिए एफआईआर दर्ज की थी। ये भी इल्जाम थे कि डेडलाइन के बावजूद कई कामों में गैर मामूली ताखिर हुई, जिसकी वजह से अखराजात में इजाफा और बजट में इजाफा और HCA को इस तरह का नुकसान हुआ। नई मुंबई के घनसोली के रहने वाले 9 माह के बच्चे चिन्मय जाधव को उसके वालदेन गणपति त्यौहार के लिए दरगवाड़ी लाए थे, जहां 7 सितंबर 2024 को लड़के की गर्दन पर मानियाट नामी इंतहाई जहरीले सांप ने काट लिया, जिससे बच्चा बिल्कुल बेहोश हो गया, सांस भी बंद हो गई और इसके आज़ा में ताकत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। बच्चे को फौरन इल वालवलकर हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ 20 दिन बाद इस बच्चे को नई जिंदगी मिली। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।